बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से शबे मेराज और जुम्मा मुबारक हो। और शबे मेराज की रात बहुत बड़ी रात होती है। इस दिन इबादत करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, दुआएं कबूल होती है। और इस रात नमाज भी पढ़ी जाती है 12 रकातें एक सलाम के साथ। और सुबह का रोज़ा रखना होता है तो उससे भी हमारी हर दुआ कबूल होती है। और ये है सुबह का टाइम। और मैं रियाज़ के लिए खाने की तैयारी करूँगी। और भाई यहाँ सामान लेकर आए, कुछ रात को ले आए थे और कुछ अभी लेकर आए। और अपनी ने बहन को भी बुलवा लिया था, रियाज थी तो बहन यहाँ स्ट्रॉबेरी लेकर आई है। और यहाँ मैंने जेली भी जमा के रख दी है, बनाना और स्ट्रॉबेरी। और सब्जी भी वॉश कर ली है। और ये दूध फट गया था तो मैंने इसका खोया बना लिया है। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। और खोया तैयार हो गया है और ये बहुत मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और यहाँ मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ड्रिंक। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी बहन ने खरबूजा भी काट लिया है रियाज के लिए। फ्रूट वगैरह और सब्ज़ी ही मेरी बहन ने वॉश कर ली थी तो अब वो फ्रिज में रख रही है चीज़ों को। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल बिरयानी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने काट के रख दिए और आलू और मटरों को मैं बॉईल कर लूँगी। बिरयानी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, प्याज मेरे लिए 1/2 किलो, इसको मैंने कट कर लिया है। फूल गोभी मेरे लिए 1 पाव, आलू मेरे लिए 1 पाव, इसको मैंने बॉईल कर लिया और फिंगर कटिंग कर ली है इसकी। गाजर मेरे लिए 1 पाव, चिकन मेरे लिए 1/2 किलो, टमाटर मेरे लिए 1/2 किलो, शिमला मिर्ची मेरे लिए 1 पाव, मटर मेरे लिए 1 प्याली और मटरों को मैंने बॉईल कर लिया है। लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। बंद गोभी लिए 1 पाव। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन का मसाला तैयार करूँगी। ऑयल गरम रख दिया है मैंने। ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे।
और प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एक तरफ प्याज फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ मैं सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है 2 चम्मच, अब इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे। अब इसमें फूल गोभी शामिल कर देंगे और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। अब इसमें बर्गर भी शामिल करेंगे, गाजर शामिल करेंगे, शिमला मिर्ची शामिल करेंगे, बॉयल आलू शामिल करेंगे, बॉयल बटर शामिल करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज भी यहाँ फ्राई हो गई है। प्याज फ्राई हो गई है, इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच। थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे इसको। इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। वेजिटेबल फ्राई हो रही है तो इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक डाला है हसबे ज़रूरत, काली मिर्ची डाली है 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे 1 चम्मच, सोया सॉस शामिल करेंगे 3 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हाफ कुक हो जाए। टमाटर यहाँ सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्ची लिए 1.5 चम्मच, बिरयानी मसाला लिया है 3 चम्मच, हल्दी लिए 1/2 चम्मच और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज के अंदर। अब मसाले शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। मसाला भून गया और अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे कि चिकन पक जाए। चावल के लिए पानी बॉईल करने रख दिया है, इसमें नमक शामिल कर दिया है, ऑयल शामिल करेंगे और गरम मसाला शामिल करेंगे।
1.25 किलो मैंने सेला चावल लिए थे, इसको मैंने धो के भिगो दिया था। पानी बॉयल हो गया है और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। मसाला तैयार हो गया है, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब बिरयानी के तेल लगाएंगे तो सबसे पहले मैंने चावल बिछा दिए और अब इसमें चिकन का मसाला लगाएंगे। फ्राई प्याज शामिल करेंगे। अब फिर से चावल की तेल लगाएंगे। अब वेजिटेबल की तेल लगाएंगे। और एंड में इसमें पुदीना और फ्राई प्याज शामिल करेंगे और दम पे लगा देंगे। खाना हमारा तैयार हो गया है और अब रियाज दिलवाएंगे। फ्रूट कस्टर्ड ड्रिंक की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और चिकन वेजिटेबल बिरयानी भी सबको बहुत पसंद आई, और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। खाना तो हम लोगों ने असर में ही खा लिया था और हम लोगों को भूख नहीं थी, तो बहनों ही देर से ये गोलगप्पे लेकर आए थे तो हम सब ने ये खाए थे और बहन भी आई हुई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था और हमने सारा दिन बहुत मस्तियाँ करी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को आज। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी, आप मुझे उस पर भी फॉलो करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।